Good morning, Shrimp. Look, in today class, we are going to start about in the part of revision section, जहाँ पे हम लोग बेटा अपना लोग हम लोग sample based questions लगाएंगे वहाँ पे revision part में. In this topic, we are going to divide our the whole topic in 10 parts. वहाँ पे जो आपकी revisions की भी अभी जो videos आएगी हमारी वहाँ पे, वो it's a divide जो हमारी 15 chapters है, we are going to divide in 10 parts. जहाँ पे हम फर्स्ट जो दो चैप्टर्स हैं उनको एक में इंक्लूड करेंगे, जहाँ पे हम उन दोनों चैप्टर बेस्ड क्वेश्चंस पे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे. आप उस क्वेश्चंस जो सैंपल बोर्ड ने इशूज किए हैं, सैंपल प्रॉब्लम्स और कुछ सैंपल रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे वन बाय वन, जैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं वन बाय वन. तो जो हमारी आज की वीडियो इट्स बेस्ड ऑन अबाउट टू टॉपिक्स, फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर एंड सेकेंड इज अबाउट पॉलीनोमियल्स. देन जो हमारी आज की क्लास होगी बेटा, उसमें हमारे जो बोर्ड जो मोस्ट प्रॉब्लम्स होंगे हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसके साथ जो हमारी टॉपिक होगी उस टॉपिक पर भी हम ब्रीफली इसको वहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे वहाँ पे. देन स्टार्ट करते हैं. देन आज की क्लास की हमारी जो जो बेस्ट प्रॉब्लम्स होंगे मोस्टली रिलेटेड विद आवर रियल नंबर्स एंड फ्रॉम पॉलीनोमियल्स. देन हम स्टार्ट करते हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर के साथ इशूज बाय CBSE इन 2020. First question is, if we have given that if x y equal to 180, we start the first problem. It's given there if x into y equal to 180 and SCF of x y equal to 3. Then we have to find out LCM of x y. to find out LCM of XY. ठीक है बेटा, ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे एक्स वाई वी हैव एक्स वाई जो बेटा हमारे वी हैव गिवन टू नंबर्स, हमारे दो नंबर्स है बेटा, ये दो नंबर्स के प्रोडक्ट दे रखे हैं एक्स इंटू वाई एस सी एफ. दो नंबर्स वॉट एवर एक्स और वाई क्या है हमें वैल्यूज पर हम नहीं जाने वाले भी. देन दोनों नंबर्स के एस सी एफ और थ्री दे रखे हैं. देन वी हैव टू फाइंड आउट द LCM ऑफ द गिवन टू नंबर्स. अब ऐसे प्रॉब्लम्स में कैसे सॉल्व करना है, जो हमारी डिस्कशंस होगी या जो बात होगी उस पर ऐसे किसी क्वेश्चंस पे जो हम सॉल्यूशन बजाएंगे तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, वी आर जस्ट ठीक है, यहाँ हमारे पास दो नंबर्स हो, दो नंबर्स की प्रोडक्ट दे रखी हो, दोनों नंबर्स के एस एफ एलसीएम दे रखे हो, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एस सी एफ इंटू एल सी एम. ये हमारे टू नंबर्स की जो जस्टिफिकेशन है ना उस पर ठीक है फोकस करेंगे. हमारे पास जो नंबर्स होंगे उन दोनों नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगी वो हमेशा इक्वल होगी दोनों नंबर्स के एस सी एफ इंटू एल सी एम के. तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. नाउ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एक्स इंटू वाई, हमारे पास दो नंबर्स एक्स इंटू वाई है, मीन्स एक्स इंटू वाई मस्ट बी इक्वल टू एस सी एफ ऑफ एक्स वाई इंटू एल सी एम ऑफ एक्स वाई. हमारे पास एस सी एफ दे रखा है, सॉरी प्रोडक्ट 180 दे रखा है, एस सी एफ नंबर्स के 3 दे रखे हैं एंड एल सी एम ऑफ एक्स वाई वी हैव टू फाइंड आउट. ठीक है, 3 इंटू दिस देन हाउ कैन वी गेट आवर एल सी एम ऑफ एक्स इंटू वाई एक्स वाई, इट्स अ 180 डिवाइड बाई 3. मीन्स जो हमारा एल सी एम है दोनों नंबर्स का एक्स वाई का वो बेटा क्या होगा, इट्स आवर 60. ठीक, मीन्स हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन की वहाँ पर हमने क्या किया, अगर हमारे पास दो नंबर्स है तो सपोज यहाँ पे या प्रॉब्लम्स बना सकते थे कि वहाँ पे किसी एक नंबर को दें अदर नंबर को पूछे वहाँ पे, तो इस तरह किसी प्रॉब्लम में बेटा जो हमारी डिस्कशन होगी जो हमारी वेल फोकस्ड होगी हम वहाँ पे फोकस करेंगे कि व्हाट इज जो बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे था, द प्रोडक्ट ऑफ आवर टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एस सी एफ इंटू एल सी एम. ठीक है, तो आप इस तरह के बेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, सिमिलर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा सब बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ. ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 The decimal representation of 14587 upon 2 to power 1 into 5 to power 4 will terminate after how many decimal places?
ठीक है, अभी बात करते हैं ट्रांसमिटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, तो कितने विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। जब ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपको जो सॉल्व करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल या तो आप इसको डिवाइड करिए और काउंट कर लीजिए कितने डेसिमल प्लेसेस पर टर्मिनेट कर रहा है। या दूसरी चीज, व्हाट इवर जो भी आपके पास कुछ नंबर्स हैं, पे अपॉन क्यू करते हैं, यहाँ पे क्यू आपका 2 to power n या 2 to 5 to power n, अगर ये फॉर्मेट होते हैं, यहाँ आपको ध्यान देना है 2 to power n या 2 to 5 to power n, उसमें से जो भी ग्रेटर होगा m या m और n में जो भी ग्रेटर होगा, मीन्स अगर m ग्रेटर देन n होगा इट्स टर्मिनेट आफ्टर जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेगा m प्लेसेस। ठीक, जो भी पावर हो m या n में, जो भी बड़ा, मैंने यहाँ पे m दे दिया, अगर n ग्रेटर देन होगा देन इट टर्मिनेट इफ n ग्रेटर देन इट टर्मिनेट आफ्टर n डेसिमल प्लेसेस। तो जो भी आप मतलब 2 या 5 के पावर, अगर वहाँ पे 2 और 5 कंटेंट कर रहा है, अदरवाइज तो आप उसको देखिए, दो चीज़ें बनेगी यहाँ पे, विदाउट डिवीजन वाले भी पूछ सकते हैं, अगर आपको बोलते हैं विदाउट एक्सपर्ट डिवीजन आपको बताना है तो आप बिना विदाउट एक्सपर्ट डिवीजन भी कर सकते हैं, फिर उसके लिए आपको फिर को बराबर करना पड़ेगा, ये 2 to power 1 है, 5 to power 4 है, तो हमें ऊपर नीचे 2 to power 3 का मल्टीप्लाई, मतलब 8 से मल्टीप्लाई करके इनको पावर 10 के पावर में जाएगा, हम चेक कर सकते हैं। चलो इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, 2 to power m 2 5 to power n की बात, इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं, हमारा 1 of 4 जो पावर की बात करते हैं, 2 to power 1 है, 5 to power 4 है, मीन्स हमारा जो 14587 जो प्रॉब्लम है, ये जो हमारी क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम है वो टर्मिनेट करना चाहिए कितने प्लेसेस के बाद, 4 greater than 1, मतलब कि ये जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है ये 4 कब तक हो जाएगी, इट्स टर्मिनेट आफ्टर 4 decimal places, ठीक है, आफ्टर 4 decimal expansions के बाद ये आपकी टर्मिनेट करेगी। ठीक, ये तो कॉन्सेप्ट वाइज थी, अगर बेसिकली इसको सॉल्व करना चाहें और हम देखना चाहें तो भी इसको हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोला कि जो हमारा 2 and 5 है उसमें जो हमारा 5 to power 4 है, तो ये 4 places के बाद ये जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारी टर्मिनेट करनी चाहिए। अब इसको वही खाली कर लेते हैं, ठीक है, वो तो हमारी हमने कॉन्सेप्ट पर बात की, एक्चुअल बात करते हैं तो मुझे क्या चाहिए, जो भी नंबर से 2 into 5 10 के फॉर्म में लेके आए, अगर विदाउट एक्चुअल डिवीजन की बात करते हैं तो ये 2 to power ये 5 to power 4 है, तो इसको भी 2 to power 4 कर लें, तो 14587 इंटू 2 to power 3 का ऊपर इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन वी हैव 2 to power 4 इंटू 5 to power 4 मीन्स 2 into 5 to power 4। ठीक है, बात समझ आ गई, ऊपर नीचे 2 to power 3 का मल्टीप्लाई कर लिया, 8 7 56 5 8 2 16 plus 5 21 2 8 7 56 5 8 2 16 17 8 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
0.6216। ठीक है, डेसिमल के बाद हमारी प्रेशर भी है। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि कितने डेसिमल से कितने पॉइंट के बाद ये हमारा एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, देन इट्स अ 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमने ये सॉल्व करके भी देख लिया, इट्स टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस ऑफ एक्सपेंशन। एंड यहाँ से हम सीधा बिना सॉल्व किए भी लिख सकते थे, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है बेटा, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमारे दोनों क्वेश्चन से रियल नंबर से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स बेस्ड ऑन पॉलिनोमियल प्रॉब्लम। इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 6x3x² - kx + 6
ये हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, उसमें गिवन है कि द सम ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6 इज 3। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स है मतलब उसके दो जीरोस होंगे, अल्फा और बीटा लेते हैं, और हमारे पास सम दे रखा है जीरोस का, गिवन क्या दे रखा है, सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है, हमें के की वैल्यू में हमें यहाँ पे निकालनी है। अब देखो इस तरह किसी भी बेस प्रॉब्लम पे क्या करना है, ठीक है, आपको वहाँ पे जो हमारी पॉलीनोमियल चैप्टर है वहाँ पे अगर हमारे पास कोई भी पॉलीनोमियल एक्सपेंशन क्वेश्चन होती है उसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई भी पॉलीनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। अब इसके बात करते हैं, अब इसकी बात करेंगे तो वी हैव टू जीरोस अल्फा एंड बीटा, इनकी सम की बात करेंगे तो क्या होती है रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस एंड कोफिशिएंट की इस रिलेशनशिप की बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, ठीक है। वैसे किसी भी तरह का जो भी अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं आपको तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाना है, सम ऑफ जीरोस मतलब जो आपका जीरोस और उनके कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशनशिप होती है उस बेस पे हम उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, कंपेयर करते हैं यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें, लुक व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ ए इज 3, द वैल्यू ऑफ बी इज माइनस के एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 6। अब अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट को अगर हम हटा रहे हैं तो लुक लुक क्या देखते हैं, और लुक व्हाट वी हैव, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास सम है 3, वी पुट हियर 3 एंड बी इज माइनस के, वी हैव ऑलरेडी माइनस देयर, माइनस माइनस या वी गेट प्लस के, ठीक है, माइनस बी, बी माइनस के है तो माइनस बीटा क्या आएगा, इट्स अ के, ए इज आवर 3, देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वैल्यू ऑफ 3 इंटू 3 9, तो जो हमें के की वैल्यू मिलेगी वो बेटा क्या मिल गई, वी गेट 9, ठीक, एंड द वैल्यू ऑफ के इज वॉट 9। तो हमने अभी क्या देखा, अभी हमने पॉलीनोमियल बेस्ड क्वेश्चन देखा जहाँ पे हम लोगों ने क्या थे, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल गिवन थी जहाँ पे सम ऑफ जीरो दे रखा था और एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहे थे। तो ऐसे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए व्हाट वी हैव, लुक द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज व्हाट, वी हैव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ पे हम उस पे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वी हैव टू जीरोस, लेट्स सपोज वी हैव अल्फा एंड बीटा इज टू जीरोस, देन द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। उस जस्टिफिकेशन वेरिफिकेशन पर हम क्या करेंगे, वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल थी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया, वहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू माइनस के, सी इक्वल टू 6 कर लिया, देन वी हैव सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वहाँ पर हमारे पास सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा 3 दे रखा था, 3 की वैल्यू पुट किया, बी b is minus k, then minus b is k, and the value of a is 3. Then 3 equal to k by 3, we get k equal to 9. तो ये थी हमारी polynomial based question, ऐसे similar question को, same type के problem को ऐसे ही solve करेंगे, ठीक है? चलिए। Now we are going to proceed to our next problem, अगला कोई question लेते हैं, based on our real numbers or polynomials. मैंने पहले starting से बोल रखा है कि हमने जो आज हमारी discussion है वो मोस्टली चलेगी हमारी फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के साथ, इट्स आवर रियल नंबर एंड पॉलीनोमियल, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और वो भी हमारा बेस्ड है, बेस्ड ऑन आवर रियल नंबर पार्ट, जहाँ पे हमारे पास वी हैव गिवन 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 40 मिनट्स, हमारे पास 3 बेल्स हैं, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14, 3 बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 एंड 14 मिनट्स, ऑल 3 बेल्स रिंग्स 8:06 AM, ठीक है, इट्स नॉट अ रेंज, ऑल 3 बेल्स रिंग एट 6 AM, क्वेश्चन दे रखा है कि तीनों बेल एक साथ 6 AM पे बजना शुरू किए, ठीक है, रिंग एट 6 AM, व्हेन द 3 बॉल्स विल द रिंग टुगेदर नेक्स्ट, अभी पूछ रहे हैं
कि ये फिर दोबारा एक साथ कब बजेंगे. ठीक है, वी हैव अ थ्री बेल्स रिंग एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट 7 मिनट एंड 40 मिनट. कि जो रिपीट करते हैं, जो फर्स्ट बेल है वो 4 मिनट बाद फिर रिंग करेगा, जो सेकेंड बेल है वो हर 7 मिनट बाद रिंग करता है, जो थर्ड बेल है हर 40 मिनट बाद रिंग करता है. अगर ये तीनों बेल एक साथ सुबह के 6 बजे रिंग किए, यानी जब उन्होंने फॉर्म किए थी ऑल थ्री बेल रिंग एट 6 AM व्हेन द थ्री बेल विल द रिंग टुगेदर नेक्स्ट, तो हमें पता करना है कि अब ये एक साथ फिर कब बजेंगे. ठीक है, देन अब इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, हाउ कैन वी सॉल्व सच टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम. इस तरह के किसी भी बेल वाले प्रॉब्लम में हमें जो करना है बेटा, जो भी थ्री बेल हैं या फोर बेल है या फाइव बेल है, वॉट एवर जो बेल्स है, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू जस्ट फाइंड आउट क्या क्या आप निकालें एलसीएम. और ठीक है, हमें उस टाइम चाहिए, जो जो वो नंबर चाहिए, वो लिस्ट नंबर चाहिए जो उसको 4 से 14 डिवाइड कर दे, मतलब इसको 4 से 14 डिवाइड कर देना. ठीक, देन यस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14. ठीक, गुड, हम 4, 7, 14 के एलसीएम को फाइंड आउट करना जाएंगे टू फाइंड आउट कि जो हमारे जो बेल हैं जो 4 मिनट 7 मिनट 40 मिनट्स के बाद अगर रिंग कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट किस टाइम पे करेंगे. वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मीन्स द रिक्वायर्ड मिनिमम टाइम वुड बी द वट वुड बी द एलसीएम ऑफ इंटरनल ऑफ देयर रिंग्स. मीन्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4, 7 एंड 14. 4, 7 and 14 की अगर जो हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे रिक्वायर्ड आंसर है. देन 4 प्राइम फैक्टर्स के थ्रू निकाल देते हैं, 4 is 2 into 2, देन 7, इट्स 7 एंड 14 इज व्हाट 2 into 7. ठीक है, तो जो हमारा एलसीएम होगा और 4, 7, 14 क्या हो जाएगा, देन आवर एलसीएम ऑफ 4, 7, 14 इज व्हाट वी हैव वन ऑफ द टू. ठीक है, एक 2 हो गया, देन एक 2 हो जाएगा एलसीएम पे. ठीक है, हाईएस्ट पावर आप एलसीएम कह देते हैं, 2 का हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर है, 2 into 2 हो गया, और एक आपका 7 है, इट्स 7 हो गई. देन जो हमारा एलसीएम हो जाएगा इट्स 2 to 4, 7 to 28, मीन्स क्या आ गया होगा, वी आर गोइंग टू 28. ठीक है, प्राइम फैक्टर से आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्टली भी एलसीएम निकाल सकते हैं बाई डिवीजन मैथड. ठीक है बेटा, 2 to 4, 7, 2, 7, 14, देन 2, 1, 2, 7 and 7, देन वी गेट. ठीक है, 2 to 4, 7, 28. नेक्स्ट 28 मिनट, मीन्स जो हमारी थ्री बेल्स हैं वो अगर 6 बजे बजी हैं तो 28 मिनट बाद, मतलब इट्स अ व्हाट इज टाइम, अगर आप सब टाइम पूछते हैं देन इट्स अ 6:28, क्योंकि 28 मिनट हुआ है, मीन्स 6:28 AM. अगर ये तीनों बेल जो 4 मिनट 7 मिनट 40 मिनट्स में रिंग करती हैं वो अब ठीक 28 मिनट, मतलब 6:28 पे एक साथ फिर से रिंग करेंगे. ठीक है, तो इस तरह किसी भी क्वेश्चंस को इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम सॉल्व करेंगे. ठीक, चलिए, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस को फाइंड आउट करिए, उसको सॉल्व करिए घर पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं रिलेटेड विद अवर. हाँ ठीक है, अगेन जो हमारी डिस्कशन हो रही है बेटा, इट्स द होल टॉपिक और जो बेस्ड है हमारा, तो जो मोस्टली डिस्कशन है इट्स बेस्ड ऑन आवर आज के जो हमारी वीडियो है उसको किससे बेस्ड होगी, इट्स बेस्ड ऑन आवर रियल नंबर एंड पॉलीनोमियल. तो उसमें एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट 2 - √3 इज इरेशनल गिवन दैट √3 इज इरेशनल. हम क्या प्रूव करना है, वी हैव टू बी प्रूव दैट given that √3 is irrational. ठीक है, लुक अभी हमें क्या करना है कि 2 - √3 इरेशनल नंबर है और हमें प्रूव करना है कि ये जो हमारा नंबर है 2 - √3 ये भी इरेशनल होगा. अब इस तरह के बेटा जो क्वेश्चन हमें प्रूव करना है इरेशनल क्वेश्चंस में, वहाँ पे हम जो यूज करते हैं वो हमारी होती है मेथड, इट्स अ मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन मेथड. हम क्या करेंगे इस तरह के सॉरी इस तरह किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो हमारी यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, हम हमारी जो बेस्ट होगी वो ये होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड आउट क्या करेंगे हम कि इन्हें पहले मान लेंगे, सपोज कि ये नंबर है इरेशनल नहीं, इट्स आवर इरेशनल नंबर. ठीक है, क्या करेंगे हम वहाँ पे, वी आर गोइंग टू सपोज दैट इट्स आवर इरेशनल नंबर. ठीक, नहीं स्टार्ट करते हैं
ठीक है ना, हम प्रेडिक्शन करेंगे। पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये रेशनल है, रेशनल का फॉर्म होगा, और कुछ शेप के बाद हम दिखा देंगे कि जो हमने एज्यूम किया है वो एजम्पशन जो किया है वो रॉन्ग है। इट्स क्या होगा, ये हमारा नंबर जो होगा ये हमारा क्या होगा, रेशनल होगा। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लाइन, लेट अस सपोज, ठीक है, लेट अस सपोज टू द कंट्ररी लेट अस सपोज टू द कंट्ररी दैट लेट अस सपोज टू द कंट्ररी दैट 2 - 2, 3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, दैट इज अगर रेशनल है तो 2 - 2, 3 का क्या फॉर्म होना चाहिए, कोई भी पी बाई क्यू का फॉर्म हो या ए बाई बी का फॉर्म हो, ए फॉर्म होती है रेशनल की, ठीक है। यहां पे मेंशन कर देंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, आप मेंशन। नाउ लुक, 2 - √3 इक्वल टू ए बाई बी, ठीक है, रूट थ्री को उधर शिफ्ट कर दें, टू ए बाई बी को इधर कर दें, और 2 - a/b इक्वल टू √3, ठीक। अब यहां ध्यान दीजिए आप, 2 हमारा रेशनल नंबर है, a बाई बी रेशनल है। अब नो, वही हमारे पास गारंटी है, जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल्स के सम, रेशनल के डिफरेंस, जितने हमारे पास डिफरेंट रेशनल्स हैं उनके सम और उनके डिफरेंस वो क्या होते हैं, रेशनल्स होते हैं। यहाँ पर हमारे पास गारंटी है, मीन्स अगर 2 इज रेशनल, a बाई बी इज रेशनल, सिंस 2 इज रेशनल एंड a बाई बी इज रेशनल, देयरफॉर डिफरेंस ऑफ 2 - a/b इज रेशनल, ठीक है। दो रेशनल नंबर है, a बाई बी हमारा रेशनल फॉर्म था, तो डिफरेंस जो रेशनल की डिफरेंस होगी बेटा वो भी क्या होगी, रेशनल होगी, ठीक। बट दिस मतलब जो हमारे पोर्शन है ये तो रेशनल हो गया, बट दिस कंट्रडिक्ट दैट, अगर ये रेशनल है, इक्वलिटी साइन लगी है, मीन्स ये हमें इन्फॉर्म कर रही है कि रूट थ्री भी हमारा बेटा क्या होगा, रेशनल होगा, रेशनल इक्वल टू रेशनल, ठीक है ना। तो रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, बट दिस कंट्रडिक्ट दैट √3 इरेशनल, क्योंकि इन्होंने यहां पे दे रखा है क्वेश्चन में कि इवन दैट √3 इरेशनल, पर यहां पे हम जो सपोज करके चल रहे थे वहां पे 2 - a/b इक्वल टू √3 किया, हमने यहां दिखा दिया ये रेशनल है, तो एक रेशनल के बराबर ही रेशनल होगा, हम यहाँ पे √3 को रेशनल दिखा रहे हैं, बट वहां पे दे रखा है √3 रेशनल, बट दिस कंट्रडिक्ट्स दैट √3 इज रेशनल, हेंस अब क्या हो जाएगा, मीन्स जो हमने एज्यूम किया था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक। हेंस जो हमारा सब क्वेश्चन था वहाँ पे मेंशन कर देंगे, हेंस बट दिस कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट इज इरेशनल, हेंस आवर सब क्वेश्चन, सॉरी सो आवर सब क्वेश्चन इज रॉन्ग, हेंस 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। मीन्स हमारे पास जो भी क्वेश्चन टाइप होंगे, ए माइनस रूट बी टाइप की क्वेश्चन, सारे प्रॉब्लम्स में हम बेटा इसी क्वेश्चन पे, ठीक है, ये चीज जो हमने अप्लाई की है, ये हमारा ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी, इस तरह किसी भी क्वेश्चन के साथ हम सेम कॉन्सेप्ट पे ही इसको हम बेटा सॉल्व करेंगे, ठीक, सेम कॉन्सेप्ट पे, ए और बी किसी भी नंबर से हम इनको चेंज कर दें, हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। क्या करेंगे, 2 - √3 इरेशनल था, हमने लेट अस सपोज टू द कंट्ररी दैट 2 - √3 इज ए रेशनल नंबर, 2 - √3 को ए बाई बी इसको रेशनल के बराबर कर दिया, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स, फिर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया जो हमारा रूट वाला पोर्शन था उसको एक साइड कर दीजिए, अभी 2 रेशनल नंबर है, a बाई बी रेशनल नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, रेशनल, 2 - a/b इज रेशनल, अभी ये रेशनल है तो √3 भी रेशनल होगा, क्योंकि हर जो हमारे दो नंबर्स बराबर हो रहे हैं तो मतलब सेम कैटेगरी के होंगे, सेम बिरादरी के होंगे, बट ये रेशनल है तो √3 रेशनल होगा, पर हमने क्वेश्चन में दे रखा है √3 इज और बट इट्स ए रेशनल नंबर, मीन्स दिस कंट्रडिक्ट आवर फैक्ट दैट √3 इज रेशनल, सो आवर सपोजन इज रॉन्ग, हेंस 2 - √3 इज एन इरेशनल नंबर।
तो ये तो हमारी बेटा इस तरह के किसी भी क्वेश्चन के साथ हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए इसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हमारा ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी टाइप का क्वेश्चन था। अगर इस पे ही उन्होंने दोनों को रूट में दे दिया, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए मीन्स अभी मैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो बेस्ट क्वेश्चन होगा कि जब उन्होंने दोनों को रूट कर दिया, प्रूव दैट रूट टू माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। मीन्स जो भी हम बात कर रहे हैं वो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो रूट ए प्लस रूट बी टाइप पे और रूट ए माइनस रूट बी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन होंगे देन हम कैसे वहां पे शो करेंगे कि हमारे नंबर्स है वो रेशनल से इरेशनल है। अभी हमने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है, पहले क्या था टू माइनस रूट थ्री, हमने उसे करके दिखाया कि हाउ कैन इस तरह क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। अभी हमने क्या किया, प्रूव दैट रूट टू माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। ठीक देखिए, वी हैव डिफरेंट रेशनल नंबर बेटा, हमारे पास डिफरेंट रेशनल नंबर्स होते हैं तो उनका सम और डिफरेंस रेशनल होंगे, पर ऐसी कुछ वारंटी या गारंटी इरेशनल्स के साथ हमारे साथ नहीं है। आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि रूट टू इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है, आपके दिमाग में क्या जाएगा कि रूट टू इरेशनल है, रूट थ्री इरेशनल है तो इनका डिफरेंस भी इरेशनल होगा। आप इस कॉन्सेप्ट पे रूट टू रूट थ्री को अलग अलग दिखा के उनका डिफरेंस दिखा देंगे पर ये वर्क नहीं करेगा वहाँ पे। या रूट टू प्लस रूट थ्री करते हैं तो रूट टू इरेशनल है, रूट थ्री है तो उनका सम भी इरेशनल होगा। डिफरेंट नंबर्स, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स के सम और डिफरेंस हमेशा इरेशनल हो बेटा, ये हमेशा नहीं होता। ठीक, तो उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे किसी की भी कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, अगेन वहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेट कंट्रोल सपोज दैट, हमने क्या सपोज कर दिया, लेट कंट्रोल सपोज दैट, लेट सपोज दैट कंट्रोल दिस रूट टू माइनस रूट थ्री इज व्हाट, अगेन हम वहां पे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ही अप्लाई करेंगे, हमारी लाइन शॉर्ट भी करती है। क्या लिखेंगे, लेट अस सपोर्ट टू द कंट्ररी रूट टू माइनस रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, मीन्स रूट टू माइनस रूट थ्री इक्वल टू ए बाई बी। ठीक, अभी यहां पे जाके देखिए, अब यहाँ पे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो रूट सिक्स आएगा, फिर रूट सिक्स को आपको इरेशनल दिखाना पड़ेगा। बात समझे कि आप चाहें तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इरेशनल का स्क्वायर भी इरेशनल होता है, और ये टू प्लस थ्री फाइव, और फाइव को आप शिफ्ट करके वहाँ पे आप सॉल्व कर सकते थे। पर मैं क्या करूँगा, आप डायरेक्टली, क्योंकि हम यहाँ पे टू एंड थ्री, हमारे पास एक चीज और टर्म्स है कि अंडर रूट थ्री, कि हमारे पास रूट पी इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, सॉरी इट ऑलवेज इरेशनल नंबर वेयर आवर पी इज प्राइम नंबर। मीन्स हमारा टू और थ्री ये तो गारंटी है इंडिविजुअली, ये हमारे क्या इरेशनल नंबर है, टू और थ्री प्राइम्स नंबर है, तो उसका फायदा उठाएंगे वहाँ पे गिवन हो या ना हो। क्या करेंगे, रूट थ्री को शिफ्ट कर देंगे, रूट टू इक्वल टू ए बाई बी प्लस रूट थ्री। अब जाके आप क्या करिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लीजिए, यानी ये देखिए टू यहाँ क्या मिलेगा, इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, रूट थ्री का होल स्क्वायर थ्री प्लस टू ए बी टू ए बाई बी इंटू रूट थ्री। ये रेशनल है, ये रेशनल, ये रेशनल एक साइड कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी क्या हो जाएगा, वी गेट माइनस वन माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए ए बाई बी इंटू रूट थ्री। इस टू ए बाई बी को क्या करिए, आप इधर इधर डिवाइड कर लीजिए, आप इधर डिवाइड करेंगे तो माइनस वन से डिवाइड करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, माइनस बी अपॉन टू ए एंड माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन टू ए इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है बेटा, और लुक ये माइनस बी बाई टू ए, ये रेशनल है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू बी बाई, इसको सॉल्व करेंगे, मैंने सॉल्व करने के बाद क्या आएगा हमारे पास ए बाई बी कुछ होगा जो वॉट इवर, अब मैं इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कैंसिल भी कर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रेशनल है, ये रेशनल है, रेशनल का डिफरेंस, रेशनल का डिफरेंस क्या होगा, रेशनल मीन्स ये हमारा फैक्ट, बट रूट थ्री रेशनल नंबर, ये हमारे फैक्ट को कंट्रडिक्ट कर रहा है, इट कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। तो जो हमने ऊपर सपोज किया है दैट ये जो हमारा टू माइनस रूट थ्री इज इरेशनल नंबर है, सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस टू रूट टू माइनस रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को इसी मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक, देन आज हमने सैंपल बेस्ड क्वेश्चंस लगाए बेस्ड ऑन अवर पॉलिनोमियल एंड रियल नंबर्स, कल के
लास्ट में भी हमारे इसी बेस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। देन आज की क्लास के लिए थैंक्स टू ऑल।